हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। हियर ये जो सारे MCQs है जो लास्ट नीट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वही है सारे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट सारी थ्योरी हमने दिख ली है, अब ये जो MCQ है उसे ही सॉल्व करना है, राइट। चलो फास्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ इज कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट। सो हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, तो समझो कि ये एक DNA सीक्वेंस है, राइट। तो DNA सीक्वेंस जो है, राइट, ये DNA सीक्वेंस को पहले तो क्या करेंगे कि हमें पता है कि DNA सीक्वेंस है, राइट, इस तरह से होगी। तो ये DNA सीक्वेंस को पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन स्टेप, राइट, कि 90 to 95 °C टेम्परेचर देके ये जो फ्रेगमेंट है, राइट, टेम्परेचर कितना स्टूडेंट, 90 to 95 °C, हाँ टेम्परेचर देके ये बहुत पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सेपरेट आउट करते हैं, राइट। सो फर्स्ट स्टेप आएगा डीनेचुरेशन, राइट। सो यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखो तो फर्स्ट जो डीनेचुरेशन है वो सी में एंड डी में है, राइट। अब सेकेंड थिंग अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे इसे लोअर टेम्परेचर एंड अब क्या करना है, तो यहाँ पे हम प्राइमर्स ऐड करते हैं, राइट। व्हाट इज़ प्राइमर, तो प्राइमर इज शॉर्ट DNA फ्रैगमेंट, राइट, जिसे हम ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं, राइट, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड, राइट, क्या कह सकते हैं, और अगर आपको नहीं दिख रहा तो अगेन मैं लिखती हूँ, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड, ओके, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो दो प्राइमर्स ऐड करेंगे। प्राइमर्स ऐड करने के बाद यहाँ पे इस DNA को, DNA का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड है, राइट। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड होंगे वन बाय वन, यहाँ पे भी ऊपर की ओर वन बाय वन अटैच होंगे, और उसे जॉइंट करने का काम कौन करता है, तो जॉइंट करने का काम करता है टैग पॉलीमरेज एंजाइम्स, राइट। टैग पॉलीमरेज एंजाइम्स जो है उसे जॉइंट करने का काम करेगा, और इस तरह से सेकंड स्टेप इज एनलिंग एंड थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन, एक्सटेंशन की कंटिन्यूसली ये जो है वो बनेगा, राइट। एनलिंग में यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, तो सेपरेशन होने के बाद प्राइमर्स एडेड होते हैं, और एडेड होने के बाद एक्सटेंशन में इसकी जो टोटली फॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो होती है। अब ये PCR स्टूडेंट एक साइकिल फॉर्म में ही रन करता है, अगेन ये जो दो है दो क्या करेंगे, तो डीनेचुरेशन स्टेप जाएगा, तो दो में से चार सेपरेट आपको क्या मिलेंगी, फिलामेंट्स DNA की जो फ्रेगमेंट्स है वो मिलेगी। अब चार के सामने अगेन प्राइमर्स ऐड होंगे, यानी कि एनलिंग होगा, एनलिंग के बाद एक्सटेंशन होगा, राइट। सो यहाँ पे अब हम देखते हैं, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा सी, राइट, डीनेचुरेशन एनलिंग एंड एक्सटेंशन, ओके। नाउ नेक्स्ट, द DNA फ्रेगमेंट सेपरेट ऑन एन अगारोस जेल कैन बी विजुलाइज आफ्टर स्टेनिंग विथ, किसके साथ स्टेनिंग किया जाता है, एसिटोकार्बामाइन, एनालाइन ब्लू, एथिडियम ब्रोमाइड, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, राइट। तो स्टूडेंट ये हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड स्टडी किया था, राइट, उसमें देखा था कि क्या आता है, राइट, क्या आएगा, तो कौन सी डाई यूज होती है, ये कौन सी होगी स्टूडेंट, ओके, यहाँ पे सीधा आंसर है इथीडियम ब्रोमाइड जो है
आफ्टर इटालियन इलेक्ट्रोफोरोसिस मेथड उसे विजुअलाइज करने के लिए किसके ऊपर, यूवी के ऊपर इथीडियम ब्रोमाइड यूज होता है। नेक्स्ट, जीन हुज एक्सप्रेस हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफर सेल इज नोन एज, राइट, कि हमने हमारा डिजायर जीन क्या किया हुआ है कि ट्रांसफर कर लिया है। अगर वो हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हम किसके हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेक्टर का काम क्या है स्टूडेंट, वेक्टर ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएगा। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है तो एक्स्ट्रा सर्क्यूलर जेनेटिक मटेरियल राइट प्रेजेंट इन टू द बैक्टीरिया विच इज़ यूज एज अ वेक्टर, राइट, सो वो भी नहीं आएगा। स्ट्रक्चरल जीन, जो स्ट्रक्चरल जीन्स, अब स्पेसिफिक हम इसका कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं निकलेगा राइट कि स्ट्रक्चरल जीन्स बट व्हाट फॉर व्हाट, नो। सो आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्टेबल मार्कर का यूज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आगे हम देखें ओके अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। व्हाट इज द क्रिएशन फॉर डीएनए फ्रैगमेंट मूवमेंट ऑन अगारोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पे क्या क्रिएशन होता है। द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट्स मूव, पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट मूव टू फर्दर एंड, नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स डू नॉट मूव, एंड द लार्ज द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स। ओके, वॉट इज द क्राइटेरिएशन फॉर द डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन अगारोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके, तो क्या क्राइटेरियन होगा, अगेन आप इसे कैरफुली रीड करो, क्या क्राइटेरियाज होगा एक बार आप भी रीड करो, सोचो क्या आंसर आएगा। पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट मूव होता है, नो, मूव टू फर्दर एंड डायरेक्टली होता है, नो, बिकॉज ऑफ यहाँ पे तो नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज के टूवर्ड मूव होता है। नेगेटिवली फ्रेगमेंट डू नॉट मूव, एक्चुअली नेगेटिव है सो दैट दे मूव, राइट, द लार्जर फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव, नो, हियर राइट आंसर क्या आएगा, स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज फर्दर मूव्स इट। ओके, नाउ अगेन नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिड, अब भी मैंने सारे फीचर्स बोले उसके, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, सर्क्यूलर स्ट्रक्चर, ट्रांसफरेबल एंड सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, मैंने आपको क्या बोला कि प्लाज्मिड जो है राइट, प्लाज्मिड क्या है तो प्लाज्मिड सर्क्यूलर राइट, जो कि यूज्ड एज अ वेक्टर, ओके, ऐसा बोला था, जो कि वेक्टर यानी कि ट्रांसफर का काम करेगा, और उसे एज अ वेक्टर इसीलिए यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट हैव अ सेल्फ रेप्लिकेशन साइट, ओरिजिन साइट, राइट। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमने जब स्टडी किया तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होगा या डबल स्ट्रैंडेड ही होगा, राइट। सो प्लाज्मिड के फीचर्स में वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, ऐसा कोई भी फीचर्स डिफाइन किया गया नहीं है। ओके, नेक्स्ट, टैग पॉलीमरेज एंजाइम्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, ओके, ये तो सीधा क्वेश्चन है, हमने स्टडी किया था कि थर्मस एक्वेटिकस, थायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस, बैसिलस सब्टिलिस, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। ओके, सो हियर
राइट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, टैग पॉलीमरेज। राइट, टैग पॉलीमरेज से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि वो जो है टैग पॉलीमरेज हमें थर्मोस एक्वेटिकस में से मिलता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स। ओके, कौन सा इसमें से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स है? हिंद टू, प्रोटीएज, डीएनए वन, आरएनएस। राइट, सो स्टूडेंट प्रोटीएज आरएनएस तो आएगा नहीं, डीएनए इज वन भी, इट्स अनदर एंजाइम्स। राइट, क्या आंसर आएगा? हिंद टू इज क्या है, वो एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स है। नेक्स्ट, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ व्हाट। क्या आएगा स्टूडेंट, वेरी इजी सा क्वेश्चन है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से ही, उसकी डिस्कवरी होने के बाद ही हम डीएनए फ्रैगमेंट को स्पेसिफिक साइट से कट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग। राइट, ए वेक्टर, बी टेम्पलेट, राइट, देन सी कैरियर एंड डी ट्रांसफॉर्मर। ओके, हम कर रहे थे द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड वेक्टर, नो टेम्पलेट, नो इट्स कॉल्ड अ स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मर। रिमेंबर दिस थिंग्स, द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच ऑफ विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। ओके, नाउ नेक्स्ट, एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज। स्टूडेंट यहाँ पे सदर्न नॉर्दर्न इट्स अ वन काइंड ऑफ, ये सदर्न एंड नॉर्दर्न दो साइंटिस्ट थे। राइट, सदर्न नॉर्दर्न ने जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड जो है वो फाउंड की थी। राइट, ओके, तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज, वो कहाँ पे यूज नहीं होती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस तो स्टूडेंट आया, ब्लॉटिंग, स्टूडेंट ब्लॉटिंग भी वन काइंड ऑफ मेथड्स है जिसके अंदर क्या होता है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉटिंग वन काइंड ऑफ ऐसे मेम्ब्रेन्स होते हैं, इसकी हेल्प से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर पाते हैं। ऑटो रेडियोग्राफीज में भी स्टूडेंट यूज्ड अप होता है। हमने पीसीआर स्टूडेंट पढ़ा, पीसीआर में हमने देखा तो इसके अंदर आप देखोगे तो पीसीआर के अंदर आपको कहीं पे भी सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स के बारे में आया नहीं आया। राइट, ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज्ड इन पीसीआर। राइट, कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में कहीं पे भी सदर्न हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में कुछ नहीं आया। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। कौन सा ऐसा वेक्टर है जो कि बहुत ही स्मॉल डीएनए को ही, फ्रेगमेंट को ही क्या करता है, क्लोन करता है। ओके, तो यहाँ पे है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, प्लाज्मिड्स एंड कॉस्मिड्स। ओके, सो कॉस्मिड्स जैसा तो कुछ आया नहीं है स्टूडेंट आपके स्टडी में। राइट, सो यहाँ पे आप देखोगे तो राइट आंसर आएगा प्लाज्मिड विच इज़ यूज फॉर स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए
चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू. चिल्ड इथेनॉल हम क्यों ऐड करते हैं? लास्ट में हमने देखा था ना कि बहुत सारे डिपेंड करता है सेल के ऊपर, कि बैक्टीरियल सेल हो, प्लांट सेल्स हो, एनिमल सेल्स हो, तो अकॉर्डिंग टू सेल्स हम डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ करते हैं कि उसकी साइवल डाइजेस्ट हो जाए, एडिशनल आरएनए हो जो है या अदर प्रोटीन्स है वो डाइजेस्ट हो जाए, राइट. उसके बाद डीएनए को सेपरेट करने के लिए हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, राइट. सो चलो देखते हैं. रिमूव प्रोटीन सच एज हिस्टोन्स, नो, हमें तो डीएनए चाहिए और हिस्टोन तो डीएनए के स्ट्रक्चर्स में होता है, तो वो तो रॉन्ग हुआ. प्रेसिपिटेट डीएनए, डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है. ब्रेक ओपन द सेल टू रिलीज डीएनए, नो, बिकॉज ऑफ सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ता है, उसके लिए तो सेल वॉल वाला एंजाइम्स चाहिए. फैसिलिटेट एक्शंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यहाँ पे हमें कुछ कट तो करना नहीं है, प्योर फॉर्म में करना है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का भी कोई काम नहीं है, राइट. सो यहाँ पे आंसर आएगा प्रेसिपिटेट डीएनए, डीएनए को बाकी सबसे प्रेसिपिटेट करके सेपरेट आउट कर देगा, सो दैट वी इजीली आइसोलेट अवर डीएनए सैंपल. नाउ नेक्स्ट, क्लोन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू क्लोन्स ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ, राइट स्टूडेंट. हमने स्टडी किया था कि इनिशियल जो एज अ सिलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक का यूज़ होता था. हर एक चीज़ की दो साइड होती है, वी हैव एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज, राइट. कि एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं सम ऑफ द टाइम बैक्टीरिया क्या करते हैं, लेट ग्रो होते हैं या लेट ग्रो होते हैं, या तो फिर उसे प्रॉपर पीएच ना मिली हो तो भी ग्रो लेट हो सकते हैं, टेम्परेचर की वजह से भी लेट ग्रो हो सकते हैं. तो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस वी टेक अ रॉन्ग डिसीजन, राइट. सो दैट ओवरकम दिस डिसएडवांटेज वी यूज द अनदर अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर, राइट. तो ये अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर क्या था? तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर, जैसे कि हमने आगे वाले में एंटीबायोटिक में देखा था एबिलिटी टू रेजिस्ट, राइट. उसी तरह से हमने एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर, राइट, वो कैरेक्टर को सिलेक्ट किया. ओके, अब इसमें क्या किया, तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विथ इन द क्लोनिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम्स बीटा गैलेक्टिडेज, राइट. कि समझो कि ये एक रिकॉम्बिनेंट था, राइट, डीएनए. यहाँ पे हमने क्या किया, बीटा गैलेक्टिडेज की जगह पे हमने हमारा डिजायर जो है वो सीक्वेंस डाल दिया. तो उसके बाद रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे जो बीटा गैलेक्टिडेज था रेड रेड इन कलर में, राइट, वो तो रिमूव हो गया यहाँ से. ओके, वो तो रिमूव हो गया और हमारा डिजायर डीएनए यहाँ पे अटैच्ड हो गया. ओके, सो क्या होगा, तो इनएक्टिवेशन ऑफ क्या होगा, बीटा गैलेक्टिडेज, जो बीटा गैलेक्टिडेज था वो इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसकी जगह पे तो कुछ दूसरा आ गया है, राइट. तो अब क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर कॉलोनीज ऑफ द प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, तो डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर बिकॉज ऑफ दिस बीटा गैलेक्टिडेज हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ब्लू कलर, राइट. बट वो तो हमने क्या किया, हमारा डिजायर डीएनए ऐड किया और उसे रिमूव किया, राइट. सो दैट दिस कैपेसिटी इज लूज्ड, राइट. सो यहाँ पे याद रखना कि अनदर एग्जांपल हमने एक एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज़ किए थे, और दूसरा बीटा गैलेक्टिडेज एंजाइम्स की साइट अगर हम वहाँ से रिमूव कर दें तो उसकी जो ब्लू कलर अपीयरेंस की कैपेसिटी होगी, ब्लू कलर प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होगी वो लूज हो जाएगी, राइट. तो यहाँ पे स्टूडेंट आंसर देखते हैं, इंसरेशन इनएक्टिव ऑफ अल्फा गैलेक्टिडोज, नो, इंसरेशन ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा तो है ही नहीं. क्या होगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा,
तो यहाँ पे आंसर आएगा कि नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टिडेज, राइट, क्योंकि ग्लाइकोसिडेज एंजाइम्स भी ग्लाइकोसिडिक एंजाइम्स भी यूज नहीं होता है, राइट. सो यहाँ पे राइट आंसर आएगा डी, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टिडेज. नेक्स्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सिलेक्ट फ्रॉम अ जीनोमिक लाइब्रेरी. जो जीन ऑफ इंटरेस्टेड है वो हमने यूज़ किया हुआ है, राइट, कि सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे स्टूडेंट. यहाँ पे ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो तो हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज फॉर द कट क्लोनिंग वेक्टर, यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट. जीन टारगेट्स मतलब हमारा जीन टारगेट, उसे तो हमें जो भी जीन टारगेट होता है उसे कट करेंगे. तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स आया, डीएनए प्रोब, राइट. तो व्हाट इज डीएनए प्रोब, तो डीएनए प्रोब ध्यान रखना इस फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, राइट, जो कि आपको डिफर डिफर लेंथ में शॉर्ट एंड लॉन्ग देखने को मिल सकती है, राइट. तो ये क्या करती है, हमारे जो भी टारगेट डीएनए होता है उसके साथ वो क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट बना देती है, ओके. तो यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सिलेक्टेड फॉर जीनोमिक लाइब्रेरी बाय यूजिंग डीएनए प्रोब. हमारा समझो कि ये एक डिज़ायर डीएनए है, तो प्रोब क्या करता है, प्रोब वहाँ पे जाके उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री इस तरह से बना देता है, राइट, और हमें इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके. तो प्रोब क्या है, प्रोब इज, नोट डाउन दीज थिंग्स, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए ऑफ वेरिएबल लेंथ, ओके. प्रोब क्या है, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए याद रखना, व्हाट इज प्रोब, तो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो कि हमारे टारगेट डीएनए के साथ क्या करता है, पेयरिंग कर सकता है, ओके. नाउ नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ओके, स्मॉल कर देते हैं. द फिगर बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ई कोली वैक्टर PBR322. Which one of the given option correctly identify its certain components? यहाँ पे हमें certain components identify करने हैं. तो ORI original restriction enzymes है, ROP reduce osmotic pressure, HIN3 EcoRI selectable markers, और ampicillin and tetra MPR TETR is antibiotic resistant genes. क्या आएगा, तो ORI तो origin site है, ROP तो क्या करता है, replications numbers को maintain करता है, कितने times replicate होगा वो maintain करेगा. HIN3 and EcoRI वो तो क्या है, it's a restriction endonucleases enzymes. So here third is antibiotic resistant genes. The answer is right. Okay. यहाँ पे डी आंसर राइट है.